प्यारे बच्चों, ये हमारा देश भारत है, इसे हम इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आज हम इसके विभिन्न स्टेट्स, जिन्हें हम हिंदी में राज्य बोलते हैं, और यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें हम हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, इनके विषय में बहुत अच्छे से समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे देश की दिशा किस तरह से निर्धारित होती हैं। दिशा का मतलब डायरेक्शन से है। तो बच्चों, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये हमारा साउथ डायरेक्शन है। अगर हम इसको इस तरह से लाइन खींच के एक्सप्रेस करें या बताने की कोशिश करें, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ, ये साउथ। प्यारे बच्चों, वर्तमान में यानी कि 2022 में हमारे देश में कुल मिलाकर 28 प्रदेश यानी कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये किस तरह से विभाजित हैं और हमारे मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं और उनकी क्या राजधानियाँ हैं, आज इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने देश की यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, उनको देखेंगे। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और ये यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे आपके सामने हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने ये आपके लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी पहली और आखिरी नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखी हुई हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल दमन ही है। फिर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है। फिर जम्मू एंड कश्मीर, यस, जम्मू कश्मीर की फ्रेंड्स, बच्चों, दो राजधानियां हैं, दो कैपिटल्स हैं। गर्मी के दिनों में इसकी राजधानी श्रीनगर बन जाती है और सर्दी के दिनों में, चूंकि वहां पे सर्दी श्रीनगर में ज़्यादा पड़ती है, तो इसकी राजधानी को जम्मू स्थानांतरित कर दिया जाता है। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कावारत्ती है। और पुदुचेरी, इसकी राजधानी पौंडीचेरी है। और लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है। आइए अब इन सभी राजधानियों को हम भारत के मैप में, ये कहाँ पर स्थित हैं और किस तरह से इनको विभाजित किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम बड़े ही अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को मैं अब यूटी कह के पुकारूंगा, तो यूटी का मतलब मेरा यूनियन टेरिटरीज़ और केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बच्चों, इन यूटीज़ को हम बड़े ही आसान तरीके से समझते हैं। बच्चों, 4 यूटी ऊपर हैं, कौन कौन सी? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, यस, 31 अक्टूबर 2019 से पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको विभाजित करके दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। और पहली यूनियन टेरिटरी जो है वो है जम्मू कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल हैं बच्चों। पहली श्रीनगर है, ये कैपिटल गर्मियों के दिनों में होती है, और दूसरी कैपिटल जम्मू है, ये कैपिटल सर्दियों के दिनों में होती है। इसी तरह से बच्चों, लद्दाख जो दूसरी यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल लेह है। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस इंडिया के मैप में, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में यहीं तक है, ये पूरा ही भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी इस वाले हिस्से पर, इतने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए हम इसे POK बोलते हैं, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस वाले पोर्शन पर
जबरदस्ती चाइना ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और ये फिर हमारी यूनियन टेरिटरीज लद्दाख है, और इस यूटी की कैपिटल आपको जैसे मैंने बताई लेह है, और ये वही कारगिल है जहां पर फेमस 1999 में कारगिल का वार हुआ था। चलिए बच्चों, हमारी दो यूनियन टेरिटरीज ये हो गई, उसके बाद हमारी तीसरी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है। इस यूनियन टेरिटरी के बारे में खास बात ये है कि ये दो स्टेट पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल है, और उसके अलावा ये एक यूनियन टेरिटरी भी है, और इस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। यस, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़। बच्चों, चंडीगढ़ के बाद जो यूटी है वो है दिल्ली। यस, दिल्ली। इस दिल्ली यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है न्यू दिल्ली, और आपको मालूम है न्यू दिल्ली हमारे देश की यानी कि इंडिया की भी कैपिटल है। तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, और दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है, और हमारे देश की कैपिटल भी न्यू दिल्ली है, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से उत्तर में यानी कि एक्सट्रीम नॉर्थ में हमारी चार यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं। अब आइए हम हमारे साउथ में जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको देख लेते हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे ये लक्षद्वीप है, ये छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित है, इसीलिए इसका नाम लक्षद्वीप है। इसकी कैपिटल जो है इस यूटी की वो कावारत्ती है। यस, कावारत्ती। और ये हमारे देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। ये हमारी अगली यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। तो इस तरह से बच्चों, चार यूनियन टेरिटरी हमारी ऊपर हो गई, और दो यूनियन टेरिटरी हमारी एक्सट्रीम साउथ में हो गई। अब उसके बाद जो हमारी अगली यूनियन टेरिटरी है, एक हमारी है वेस्ट में। वेस्ट में कौन सी है? दमन एंड दीव, और दादर एंड नागर हवेली। बच्चों, पहले ये दोनों दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, लेकिन अब 26 जनवरी 2020 के बाद, यस 26 जनवरी 2020 के बाद, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को, इन दोनों यूटीज को मर्ज कर दिया गया है, और अब इनको दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है, और इसकी कैपिटल अब दमन है। पहले दादर एंड नागर हवेली की जो कैपिटल सिलवासा हुआ करती थी, अब वो इनकी इसकी कैपिटल नहीं है। सिलवासा एक दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी का बड़ा शहर है, लेकिन कैपिटल इसकी दमन है। यस, दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली की इस समय कैपिटल दमन है, 2022 में, 26 जनवरी 2020 के बाद से। उसके बाद हमारी जो यूनियन टेरिटरी है बच्चों, वो है पुदुचेरी। यस, ये रही पुदुचेरी। और इस तरह से पुदुचेरी यूटी की कैपिटल पौंडिचेरी हो जाती। अब हम फिर से अपने प्यारे देश भारत पे आ गए हैं, और अब हम इसके अलग अलग राज्यों को, उनकी राजधानियों के सहित जानेंगे। सबसे पहले हम उत्तर पूर्व, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं, उसको समझते हैं। बच्चों, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, जिसे हम उत्तर पूर्व के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सिक्किम पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, और ये एक अलग राजवंश था जहाँ पर चोग्याल शासक राज करते थे, लेकिन 1975 में सिक्किम की जनता के द्वारा रेफरेंडम करवा के सिक्किम को हमारे देश का अभिन्न अंग मान लिया गया। यानी कि सिक्किम की जनता ने
चोगियाल शासकों के अगेंस्ट जाकर भारत के पक्ष में रेफरेंडम प्रस्तुत किया और वहाँ की जनता ने कहा कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। और इस तरह से भारत ने संवैधानिक संशोधन करके सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया। पहले इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को सिक्किम बनने से पहले सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, यानी कि सात बहनों के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब सिक्किम भी इसमें ऐड हो गया तो अब इस नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को हम एट सिस्टर्स यानी कि आठ बहनों के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही प्राकृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध प्रदेश हैं। इनमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, यस इसकी कैपिटल है ईटानगर। उसके बाद है असम, असम की कैपिटल दिसपुर, ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद है मेघालय, यस वही मेघालय जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी भी मेघालय में ही स्थित है और मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। उसके बाद त्रिपुरा है बच्चों, ये त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए एक तरफ ये, एक तरफ ये और एक तरफ ये, तीन तरफ से ये बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, इसलिए इसको त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, यस दिस इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये नागालैंड है और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। ये मणिपुर है और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। उसके बाद हमारा अगला स्टेट है मिज़ोरम और मिज़ोरम की कैपिटल आइजल है, यस दिस इज़ द आइजल और ये हमारे मिज़ोरम की कैपिटल है। और उसके बाद हमारा आठवां जो प्रदेश है या आठवीं बहन है नॉर्थ ईस्ट की, वो है सिक्किम और इसकी कैपिटल है गैंगटॉक या गंगटॉक। तो बच्चों इस तरह से हमारे आठ राज्य नॉर्थ ईस्ट में हो जाते हैं, याद रखिएगा आठ, टोटल कितने हैं 28। अब बच्चों हम पूरब के चार राज्यों के विषय में जानेंगे, इनकी राजधानियों के विषय में भी हम इनकी लोकेशन देखेंगे। देखिए पूरब का सबसे पहला राज्य हम ये मान के चलेंगे बिहार, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा। इनकी कैपिटल देख लेते हैं, बिहार देखिए इसकी कैपिटल पटना है, झारखंड जो कि बिहार से ही अलग होके दूसरा राज्य बना है इसकी कैपिटल रांची है, और वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल कोलकाता है, और उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। तो 8+4 हो गए हमारे पास कितने 12, आगे काउंट करते चलिएगा आप। उसके बाद हमारे 6 स्टेट्स उत्तर में पड़ेंगे, एक्सट्रीम नॉर्थ में पड़ेंगे। पहला है उत्तर के नाम से ही उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल लखनऊ है, दूसरा है उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून है, तीसरा है हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल शिमला है, चौथा है पंजाब इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पांचवा है हरियाणा इसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और छठवा है राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर। यस तो बच्चों कितने हो गए टोटल, देखिए 8+4+6 टोटल अभी तक कितने हुए 18, यस। इसके बाद देखिए तीन स्टेट हमारे बिल्कुल वेस्ट में पड़ेंगे, और ये तीन स्टेट कौन कौन से हैं हम देखते हैं, गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, उसके बाद गोवा जिसकी कैपिटल है पणजी। गोवा हमारे देश का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है, और फिर महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई। तो ये हमारे पश्चिम के तीन राज्य हो गए। तो अब कितने हो गए 18+3 21। बच्चों ये हमारे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, और साउथ इंडिया के स्टेट्स को हम स्टार्ट करेंगे कर्नाटका से। तो कर्नाटका में बेंगलुरु इसकी कैपिटल,
तेलंगाना, इसकी कैपिटल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल अमरावती, और तमिलनाडु, इसकी कैपिटल आप सभी को मालूम है चेन्नई। के बाद हमारा अगला स्टेट है केरला, और केरला की कैपिटल आप सभी को मालूम है थिरुवनंतपुरम। और बच्चों ये माहे भी पौंडेचेरी का हिस्सा है। यस, यूनियन टेरिटरी पौंडेचेरी के तीन हिस्से हो जाते हैं, जो पौंडेचेरी से अलग तीन अलग अलग राज्यों में हैं। पहला कौन सा है? यनम, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा कौन सा है? कारिकल, ये भी पौंडेचेरी का हिस्सा है, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और तीसरा कौन सा है? ये माहे, और ये माहे कहाँ पर है? केरला में। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, बच्चों आप याद रखेंगे, पुदुचेरी के तीन अलग अलग प्रशासनिक केंद्र तीन अलग अलग राज्यों में हैं। पहला आंध्र प्रदेश में, दूसरा केरला में, और तीसरा तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में यनम नाम से, केरला में माहे नाम से, और तमिलनाडु में कारिकल के नाम से। ये तीनों ही पौंडेचेरी के हिस्से हैं, भले ही ये अलग राज्यों में आते हैं, लेकिन ये पौंडेचेरी के प्रशासनिक हिस्से हैं। यहाँ प्रशासन पौंडेचेरी के हिसाब से ही चलता है। तो बच्चों ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारे कितने स्टेट हो गए बच्चों, देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम काउंट करते हैं, 21 + 5 = 26, बचे कितने? 2। तो ये 2 स्टेट्स हमारे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल, और छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर। ये छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना। तो इस तरह से हमारे ये 2 स्टेटों को जोड़ने के बाद हमारे कितने स्टेट हो जाते हैं? 28। यस, कितने? 28। तो आप याद रखेंगे, टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं हमारी? 8। और टोटल स्टेट्स कितने हैं हमारे? 28। तो ये 8 का आंकड़ा आप याद रखेंगे। इस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखा जाए तो हमारे देश को 36 एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिनमें स्टेट्स भी शामिल हैं और यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं। आप इनको यहाँ टेबल फॉर्म में भी देख सकते हैं, स्टेट नेम आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, थिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून विंटर में, और गैरीसन समर में, ये कैपिटल बन जाती हैं। बच्चों मैं आपको अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यस राकेश विल वी पॉइंट्स बताता हूँ, और ये आप हमेशा याद रखेंगे। इस तरह से हमारे देश में टोटल स्टेट्स, कुल राज्य हैं 28, टोटल यूनियन टेरिटरीज, कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, टोटल हो गए 36 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स या स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लार्जेस्ट स्टेट एरिया के हिसाब से है राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट यानी कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा, और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम, यस स्मॉलेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन सिक्किम।
लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया के हिसाब से है जम्मू एंड कश्मीर, यस अभी भी सबसे बड़ी है। और आठवां राकेश विल्वे पॉइंट है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन एरिया लक्षद्वीप, और लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन पॉपुलेशन दिल्ली, यानी कि पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन सी यूनियन टेरिटरी बड़ी है वो है दिल्ली, और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन में कौन सी है, ये पॉपुलेशन है, आप इसको पॉपुलेशन कीजिएगा, पॉपुलेशन और एरिया दोनों में ही लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, आप ये याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस प्यारे देश भारत को अपने दिल में बसाए रखेंगे, इसको समझ के रखेंगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक बार से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में, हमारे देश में आप अगर कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। आप हमारे इस प्यारे भारत देश का एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। थैंक यू।